सुन बे, मुझे जर्मन शेपर्ड पसंद है, हस्की नहीं। हस्की सबसे गंदे होते हैं ना। क्यों क्यों बे? कह रहा है नहीं होते भाई, नहीं होते। ये वाली वो लाइट है भाई, सामने देखो, वहां दिख रही जाती हो। इसका थ्रो कितना शानदार है भाई, वहां तक जा रही है। तो हाँ यार, ये यार अपना छोटा सा सेटअप देखो भाई। ये है अपने ड्यूक के लेग गार्ड, आपको याद होगा लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था ना कि अपने सामान आने वाले। तो गाइस दो तो आ गए यार। एक सामान जिसमें दिक्कत आ रहा था ना, उसका ना अभी भी डेट गाइस 18 नवंबर का दिखा रहा है। अगर 18 नवंबर आ जाता है ना गाइस, तो मोस्ट प्रोबेबली ना अपन निकल जाएंगे उसी दिन या फिर उसके एक दिन बाद अपन निकल जाएंगे। अब लेट्स सी, वाला सामान अगर नहीं आया तो ना फिर अपन को भोपाल के जो लोकल मार्केट में ना, लोकल मार्केट में जाके पता करना पड़ेगा और सेम वैसा मोबाइल होल्डर ढूंढना पड़ेगा। चलो मैं जल्दी जल्दी जो है आपको पहले तो सामान चेकआउट करा देता हूँ भाई, क्या आ गया है इसमें। तो भाई ये है अपने एक्शन प्रो का जो हेलमेट माउंट लगेगा ना भाई, ये वो आ गया है। वाह यार, मैंने ना ये ग्रीन कलर का बुलवाया क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है सब लोग ना ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर का यूज करते हैं, तो मुझे ना वो कॉमन सा नहीं चाहिए था, तो मैंने ना नियॉन ग्रीन कलर का बुला लिया। तो बताना भाई कैसा लग रहा है। ये अपना ना चिन माउंट हो गया गाइस, है ना। और इसके साथ ना अंदर मुझे ये भी मिल गया है, इसको जे टाइप माउंट बोलते हैं, तो ये भी मिल गया इसके साथ अपन को। ये है दूसरा पार्सल, वो तो मैंने आपको दिखा दिया, वो अपने हेलमेट के ऊपर डायरेक्ट चिन माउंट लग जाएगा, आपने देखा ही होगा सारे मोटो ब्लॉगर्स यूज करते हैं। ये है भाई दूसरा पार्सल, लेट्स सी इसके अंदर क्या आया है। तो इसके अंदर भी ना एक्शन प्रो का एक छोटा सा माउंट है जो अपन को मतलब मोबाइल लगाने के बाद ना और उसको सपोर्ट में हेल्प करता है, काफी हेल्पफुल होता है भाई ये वाला माउंट भी, इसलिए मैंने अलग से ये ऑर्डर करा था। अब बताओ ये जो दो चीजें ना गाइस मेरे हाथ में आप लोग को दिख रही होगी, इस समय चेक दिस आउट। तो हाँ जी गाइस, अब ना अपन लोग भाई सब घर से निकल रहे हैं इस समय, क्योंकि ना ये जो शीट्स थी जो हाल ही में अपन ने पेंट करी थी ना, इसको अपन को डालना है भाई एक शॉप पे, क्योंकि इसका जो आगे का प्रोसेस है ना वो शॉप पर होगा। तो अपन चलेंगे वाली शॉप पर, शीट्स को उतार देंगे और फिर अपने काम निपटाएंगे, है ना। तो हाँ जी लेट्स गो। तो यार गाइस एक और बात ये है कि यार जो अपना मुंबई वाला ट्रिप होने वाला है ना, मेरा मन कर रहा है ना इसके लिए अपन एक प्लेलिस्ट बनाएंगे अपने चैनल के ऊपर, ताकि मैं चाह रहा हूँ जब जब भी अपन कभी रोड ट्रिप से या कुछ भी मारेंगे ना, तो पर्टिकुलरली अपने चैनल के ऊपर ना प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। जैसे भी मुंबई जा रहे हैं ना, तो मुंबई सीरीज करके अपन एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे अपने चैनल के ऊपर। भाई अपन ने नया पेपर बिछा लिए थे ताकि अपनी भाई जो प्यारी रैम्बो की सीट है ना यार, वो किसी भी तरीके से ना गंदी ना हो। सबसे पहले तो भाई अपन को ना अपनी गाड़ी से सबसे ज्यादा प्यार है गाइस, उसके बाद कोई और चीज से ना तुम्हारे भाई को प्यार होगा, सबसे पहले तो भाई रैम्बो से ही प्यार है। तो भाई ये देख लो अपनी जो टीपीएमएस वाली लाइट थी ना गाइस, ये ना वापस आ चुकी है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का जो लाइट है ना भाई, यही होती है टीपीएमएस वाली लाइट। तो भाई अब जब भी अपनी नेक्स्ट सर्विसिंग पे जाने वाली है ना गाड़ी, ये देख लो अभी तो 19,000 के लगभग कुछ अपनी गाड़ी चल चुकी है इस समय रैम्बो। अब भाई 900 किलोमीटर ही लगभग बचे हैं 20,000 होने में, तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है पहले अपन मुंबई हो ही आते हैं, मुंबई से होकर आने के बाद भाई इसको अच्छी तरीके से सर्विस करा लेंगे। और ना ये वाला जो इशू है ना गाइस, ये टीपीएमएस वाला की हर चौथे पांचवे दिन, मतलब अभी भी ना चार दिन हो गए लगभग, चार दिन के बाद ना इसकी यारी लाइट आ ही जाती है। तो ये वाला इशू है ना अपन महिंद्रा में चल के जरूर पूछने वाले हैं, और आप लोग को और ना रिकॉर्ड करेंगे अपन उस चीज को कि भाई महिंद्रा वाले इस इशू के लिए क्या बोलते हैं, कि बेसिकली ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ठीक है, अभी तक मुझे नहीं पता भाई किसी ने यूट्यूब पे पूछा है नहीं पूछा, पर भाई अपन तो महिंद्रा पे चल के जरूर पक्के से पूछने वाले हैं ये वाली बात, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हर चौथे दिन में जो है आपकी गाड़ी की भाई लाइट क्यों जल जाती है ना, क्योंकि भाई बहुत डिस्टर्बिंग लगता है आप गाड़ी चलाओ ना और कोई भी लाइट वाइट सामने आती है ना गाड़ी के, तो बड़ी दिक्कत आती है यार। गाइस अपने जो प्लान्स थे यार वो तो प्रॉपर तरीके से ना बन गए आज के, बताता हूँ आप लोगों को बस ऑलमोस्ट। वो देखो अपना घर आ ही गया। सबसे पहले जो है भाई अपनी धन्नो को पार्क करते हैं अपन, तो धन्नो को पार्क कर ही देता हूँ ऑलमोस्ट। शाबाश। हाँ यार, तो अपने सीन्स ये हैं, फटाफट सुन लो। अब अपन अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा मुंह धो लेते हैं ना, डस्ट वस्ट लग गया, और एक रुमाल रख लेते हैं। प्रिंस भाई को मैंने ना कॉल कर दिया, तो अपन को सबसे पहले चलना है भाई अनुग्रह भैया के घर। वहाँ चल के ना अपन को ड्यूक 390 का ना लेग गार्ड उठाना है, बिकॉज ना उनकी गाड़ी में लेग गार्ड नहीं है, लेग गार्ड यहीं पर ही है। लेग गार्ड को लेके चलना है भाई साहब अपन को सिटी। क्यों लेके चलना है वो मैं आपको पहले लेग गार्ड उठा लेते हैं वहाँ चल के, उसके बाद बताता हूँ, है ना। तो मम्मा भी यार अपने साथ चल रही हैं, भव्य सिटी वाले भाई जो जो अपने सब्सक्राइबर लोग हैं ना भाई, तुम लोग को रैम्बो दिखेगी आज वहाँ पे। खैर मैं तो नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग को लगा कि सौरभ भाई आए और स्टोरी नहीं डाली। फिर मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं अपनी दादी के यहाँ गया था ना, तो वहाँ काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे ना डीएम कर रहा था इंस्टाग्राम पे कि सौरभ भाई नेक्स्ट बार कभी भी आओ ना तो इंस्टा स्टोरी लगा के आना। तो सॉरी गाइज मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी मुंबई ट्रिप की ना प्लानिंग में लगा हुआ, तो इस चक्कर में मैं तो नहीं आ पाया। तो हो सकता है मम्मा मिलेंगी, तो भाई मम्मा से मिल लेना तुम लोग, ठीक है ना। इनके साथ फोटो वोटो खिंचवा लियो, खिंचवा लेना, बच्चे लोग आए तो। इनको उतार देते अपन रस्ते में, ये वहीं से
चले जाएंगे और भाई अपन प्रिंस भाई के पास चलते हैं। और भाई ये आप पूछोगे ना प्रिंस भाई ने ये क्यों बांधा है, वैसे तो भाई ये मेरा है, चोरी करके ले गया था। यूनियन बैंक वाले क्या इसको ढूंढ रहे हैं काफी दिनों से, तो ये बेचारा उतार नहीं पा रहा है। ऐसे काम मत किया करो भाई, क्यों छुपा रहे हो भाई, तुमने हाईलाइट कर दिया भाई। भाई इसको ना यूनियन बैंक वाले ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि कहाँ है वो लड़का। उसी दिन के बाद से ना एटीएम में पैसे गायब होने की शिकायत आई, पेपर में भी आया था भाई। तो मत बोले यार, शर्म कर, तू तो मुंबई जा रहा है, मेरी मरवा देगा। भाई यही है यूनियन बैंक वालों, मैं आपको इसका पता बता दूंगा। ये क्या मुंह बांधे घूम रहा था कि पहचान इसको कोई। मैं भी ले आया भाई, हम दोनों भाई ले आए। ये काला वाला मैं पहन लूंगा, रेड वाला ये पहन लेगा। और भाई अब हम जा रहे हैं अनुग्रह भैया के घर पे लेग गार्ड उठाने। आज का दिन ना गाइस थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि तैयारियां चल रही है ना, तो थोड़ा हेक्टिक वाला थोड़ा लंबा दिन होगा। पर कोई ना, तुम लोग बने रहो, वीडियो को स्किप मत करना, मजा आएगा, है ना। तैयारी देखोगे तभी तो जब अपन ट्रिप पे निकलेंगे तो मजा और आएगा, है ना। तो पहले ट्रिप से पहले की जो प्रिपरेशन होती है, जो तैयारियां होती है, वो भी देखना जरूरी है। गाइस ये देखो अपन ने लेग गार्ड तो ले लिया, बहुत ही भाई हल्के से है इसके लेग गार्ड ड्यूक के। भाई मुझे लगा था ना पावरफुल होंगे। कैसे हो भाई, कैसे हो? ओ यू गो बेबी, कैसा है कैसा है कैसा है, नहलवाया है क्या? बहुत साफ दिख रहा है यार ये तो। कैसा है कैसा है, भोग दे एक बार, भोग दे। रियो 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 रियो, कैसा है? नो नो पा। दूसरा अपन भी लेंगे जर्मन शेपर्ड। दूसरा दे। सुन बे, मुझे जर्मन शेपर्ड पसंद है, हस्की नहीं। हस्की गंदे होते हैं ना, हस्की सबसे गंदे होते हैं ना। क्यों क्यों बे? कह रहा है नहीं होते भाई, नहीं होते। तो गाइस वी आर लीविंग। ये देख लो भाई लेग गार्ड जो मैं बता रहा था ना यार, ये सही में मजाक है भाई। ये देख रहे हो क्या है भाई, ये ड्यूक 390 के, मतलब अनुग्रह भैया ने शायद इसीलिए ना इनको निकलवा दिया था, क्योंकि भाई साहब ये किसी काम के तो वैसे भी नहीं है, बहुत ही हल्के फुल्के। हम लोग ये लेके इसलिए जा रहे हैं गाइस, ताकि ना ये लेग गार्ड के ऊपर ना वो क्लैंप लग जाएगा, अपन को ना ऑक्सिलरी लैंप्स लगवाने, फॉग लाइट समझ लो, एक्स्ट्रा लाइट, तो वो ना इसके ऊपर फिटिंग अच्छे से बैठ जाएगी। तो इस चक्कर में लेग गार्ड लगवा रहे हैं, अदरवाइज ना अपन ने भी लेग गार्ड लगवाना तो था नहीं। बहुत ही गंदे लेग गार्ड है आपकी गाड़ी के, मजा आ गया। मैंने कहा मजा आ गया, बहुत ही गंदे लेग गार्ड है। चल भाई लेट्स गो। भाई देखो फ्री की चीज का लिए कभी मना नहीं करना चाहिए, जिंदगी में एक लेसन ले लो। तो गाइस अभी ना आपने देखा होगा प्रिंस भाई ने ना गाड़ी साइड पे पार्क कर दी। बेसिकली ना आप लोग को चेक दिस आउट, रोड पूरा खाली दिख रहा होगा इस समय, पीछे भी देख लो भाई पूरा खाली दिख रहा होगा। अक्सर ना सिटी में कभी ऐसा मॉल होता नहीं है। एक्चुअली यहाँ से ना अभी सीएम साहब जाने वाले हैं, तो उस चक्कर में मामा जी जाएंगे, तो भाई रोड को पूरा खाली करना पड़ता है। नहीं तो गाड़ियां वगैरह अब यहाँ पे आना ना अलाउड नहीं रखा है, हर जगह बैरिकेटिंग कर दी है। तो हमने तो फिर भी जुगाड़ से अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड में एक जगह लगा दिया। प्रिंस भाई ने कहा भाई पैदल पैदल चल देंगे, दुकान बस थोड़ा सी आगे ना, यहाँ से कितनी दूर है? थोड़ा सा ही है ना, बस थोड़ी सी और दूर है। तो हम लोग वॉक वॉक करते हुए जा रहे हैं भाई, गाड़ी चलाने का मना किया, पैदल तो चल ही सकते हैं। कितना हरामी लड़का है भाई, मैंने इसको बोला था मुझे गाड़ी में लाइट लगवानी है, गाड़ी वाली दुकान पे लेके चल, तो वहाँ जाके टाइम पास कर रहा है। क्यों पीछे छूट गई दुकान? क्या पीछे छूट गई दुकान? भाई मैं क्या करूँ यार तेरा, तो उससे बड़ा परेशान हूँ यार मैं। सीएफएल वाली दुकान पे जाके लाइट का पूछ रहा, सीएफएल लगवाएगा मेरी बाइक के आगे? क्या आदमी है भाई, पीछे छोड़ आया दुकान भाई, इतनी देर से आगे से चलते चलते आ रहे, अब कह रहा पीछे छूट गई दुकान। बहुत ही आराम भाई, वापस पीछे 1 किलोमीटर भाई यार, बेवकूफ बना रहा है मेरा जब से लेके घूम रहा है। अरे भाई भाई तो कहीं भी ले जा रहा है भाई, मतलब क्या बोलूं यार इसको, मैं गलत आदमी के साथ आ गया भाई। देखो भाई अंकल जी तैयार कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, मजा जाएगा ना अंकल जी खा के? पक्का मतलब एकदम तीखा लगेगा? बस कर दिया ना अंकल जी ने, समझ जाना एक नंबर बनने वाला है। भाई लाइट दिलवा दो भाई, चलिए यहाँ अंकल कोई लाइट की दुकान है गाड़ी में, लाइट्स वगैरह मिलती हो गाड़ी के लिए जो लाइट? इधर है आगे, आगे पक्का ना? ये मुझे इधर ले गया पहले 1.5 किलोमीटर आगे। भाई किसने का आदमी भाई, शर्म कर ले प्रिंस, अब तो अंकल ने ही बोल दिया आगे भाई, 1.5 किलोमीटर ले गया तू आगे मुझे। गाइस रास्ता खुल गया, ये देखो भाई कैसी भीड़ आ रही है। अबे एक आध प्रिंस भाई मार देगा एक आध कोई भाई, कैसा आ रहा है भाई ये, भाई कैसे आ रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है कुछ फ्री को बट रहा हो। ये देखो भाई ये वाली वो लाइट है भाई सामने, देखो वहाँ दिख रही जाते हुए, इसका थ्रो कितना शानदार है भाई, वहां तक जा रही है भाई। ये HJG करके कुछ है, इसका ना ऑनलाइन प्राइस 2000 समथिंग का था, यहाँ पे ना 1000 रुपए की मिल रही है। ये वाली चीजें तो ले लेते हैं, और भाई एक स्विच भी बताया ये भी लेना पड़ेगा, तो ये ना 70 रुपए समथिंग का कुछ का है, तो एक स्विच भी रख लेंगे। तो इसमें ना ब्लिंकर वाला सिस्टम भी है, वो मैं आपको लगवाने के बाद चेकआउट कराऊंगा। अबे जल्दी लेना गाड़िया खाना है। गाइस ये रहा भाई नमकीन जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले पार्सल कराया था ना भाई, देना यार अपन ने उनको अपना लेग गार्ड दे दिया है, ताकि ना वो उसको लेके जाए, उसमें थोड़ा सा ड्रिल करेंगे और ना टाइट फिटिंग आ जाए। दिखाना है ड्यूक की फोटो भाई, ये जो लेग गार्ड है ना आपको दिख रहा होगा,
इसमें ना ड्रिल हो जाएगा, ड्रिल होने के बाद ना टाइट फिटिंग आ जाएगी, जो लाइट है ना वो कहीं भी हिलेगी नहीं, मतलब अगर सिर्फ क्लैंप से फिटिंग कराएंगे ना तो वो ऊपर नीचे हिलती रहेगी, धचकों में तो हो सकता है टूट भी जाए, तो ना ड्रिल करा देंगे तो टाइट एकदम फिटिंग आ जाएगी। जब तक हम लोग भाई अपना ये नमकीन एंजॉय करेंगे। गाइस ये वाला जो काम था ना भाई ये तो हो गया है, आसिफ भाई थे भाई यहाँ पे, इनने अपनी हेल्प करी, थैंक यू आसिफ भैया। तो फिटिंग विटिंग करने का काम रह जाएगा वो तो अपन कर ही लेंगे मुंबई पे जाके खुद, या फिर KTM के ना ऑफिशियल शोरूम चलेंगे और वहाँ चल के ना बस लेग गार्ड फिट कराना पड़ेगा अपन को, और जो वायरिंग है ना वो बैटरी से कनेक्शन कराना पड़ेगा, बाकी तो कोई जरूरत नहीं आएगी। क्यों बेटा नहीं आएगी भाई? नहीं आएगी ना, कोई दिक्कत आयो कैसे आएगी? अरे बेटे तुम्हारे साथ आए ना गाइस, इसलिए ना इसीलिए ज्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज तो भाई ये काम सिर्फ आधे घंटे का था, प्रिंस भाई के साथ आए तो काम 2 घंटे का हो गया, और फोन में ना मेरे बैटरी भी बहुत ज्यादा कम हो गया, ऑलमोस्ट 3% के आसपास आ चुका है। तो गाइस हम लोग आ गए अपनी भाई रैम्बो में, अब ये मत पूछना अचानक से रैम्बो कैसे आ गई, वो बता दूंगा आपको बाद में। प्रिंस भाई जाएं? जाओ भाई, आते हैं अब मुंबई के बाद ही मुलाकात होगी भाई तुमसे। कल तो आऊंगा ना घर। कल आ रहे हो? कल आऊंगा। बढ़िया यार, हमारी मुंबई ट्रिप से पहले भाई मिलके जाऊंगा अपने सारे दोस्तों से। बाय। तो गाइस मैं आ गया हूँ भाई अपने घर पे। अब मैं यार ये सोच रहा हूँ क्या मुंह वगैरह धोना, मैं सोच रहा हूँ वो तो बाद में ही कर लूंगा, पहले ना मैं तुम लोग को सामान दिखाई देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ फिर ना उसके बाद ना अपन ब्लॉग को खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं मुंह वगैरह धो के आऊंगा उसमें टाइम लगेगा है ना, तो डिनर वगैरह का भी मेरा टाइम हो जाएगा, तो पहले ना मैं तुम लोग को पूरी प्रिपरेशन जो भी अपन ने आज दिन भर में करी है तुम लोग को अच्छे से बता देता हूँ कि बेसिकली जो अपन ने क्या क्या सामान लिया है, क्यों लिया है। तो हाँ यार ये यार अपना छोटा सा सेटअप देखो भाई, ये है अपने ड्यूक के लेग गार्ड्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए थे। तो बेसिकली देखो अपन क्या किया, ड्रिल वाला चीज मैं बता रहा था ना, ये अपन को क्लैंप्स मिले थे भाई उनके साथ, ठीक है। तो इन लाइट्स के क्लैंप्स को ना अपन डायरेक्टली इसके ऊपर ऐसे करके लगवा देते जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना ऐसे करके, पर उसमें दिक्कत क्या आता गाइस कि ये ना क्लैंप कभी भी टूट जाता, तो भाई ने अपन को पता है क्या बताया, ये देखो इसके अंदर ना ड्रिल करा उन्होंने, लेग गार्ड के अंदर ना पूरा ड्रिल करा और स्क्रू को उसके अंदर डाला, तो इससे देखो फिटिंग कितनी टाइट हो गई, ये देखो कहीं भी नहीं जा रहा है, ये देखो लाइट से पकड़ के इसको हिला रहा हूं ना कहीं नहीं जा रहा। और दूसरा ना भाई ये लाइट्स ना बहुत ही पावरफुल है गाइस, थोड़ी महंगी जरूर है पर ना ये कंपनी आप लोग देख लो, इस कंपनी का नाम है HJG भाई, बहुत ही अच्छा ब्रांड लगा मतलब मुझे तो भाई, मतलब इसका जो थ्रो था ना गाइस आप लोग मानो हाईवे पे ना भाई झांकी बना देगा, रोड को ना बिल्कुल एकदम ऐसा दिखेगा कि दिन बना देगा, रात को ना दिन कर देंगी ये दोनों लाइट्स मिलके है ना। और फिर इसके साथ अपन ने लिया यार एक स्विच जो कि मुझे तकरीबन 70 रुपए का पड़ा, तो ना बहुत ही ज्यादा सस्ता टिकाऊ सा ब्रांड है ये, इसका नाम यहाँ पढ़ लो आप, मिंदा करके कोई सा इसका नाम था। तो ये अपन ने स्विच ले लिया इस लाइट के लिए, और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया अपना चिन माउंट है भाई एक्शन प्रो का, तो ना इसको ऐसे करके आपको स्लाइड इन करके इसको ऐसे पुश करना पड़ता है, और ये लॉक का आवाज आया तो ये हो गया लॉक ना, ये देखो कहीं नहीं जा रहा है। अब इसके साथ क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना 300 रुपए का भाई ये खरीदा मैंने, हाँ गाइस एग्जैक्टली गोल सा ये दिख रहा है आपको, और एक स्क्रू, इसका कुछ काम नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बेसिक सा काम है, ये दिख रहा है आपको, ये अब इसके अंदर जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसके अंदर चला गया, अब ये इसके अंदर जाने के बाद ना इसके ऊपर फाइनली यहाँ पर लगेगा अपना मोबाइल माउंट, जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट वाले वीडियो में स्लोविक कंपनी का अपना जो मोबाइल का माउंट होल्डर आ रहा है, तो भाई वो मिसिंग है, वो इसके ऊपर लगेगा, साइड में उसका फोटो भी आ रहा होगा। वो लगने के बाद ना ये जो रोलर दिख रहा है आपको, इसको ऐसे करके बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको ऐसे करके घुमा देना है, तो ये ना पूरा टाइट हो जाएगा। तो बस ये इतना सा छोटा सा सामान था गाइस अपने मोटो व्लॉग सेटअप का, हेलमेट वगैरह ना ऑलरेडी सब मुंबई में ही है, जैकेट ग्लव्स वगैरह ऑलरेडी अपने पास है। तो आज का व्लॉग करते हैं गाइस अपन इसी गुड नोट पे खत्म, अपना ऑलमोस्ट पूरा सामान आ गया, तो भाई मुंबई सीरीज में ना अपन लोग को फाड़ देना है, आग लगा देंगे भाई, मजाक से हटके बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। तो उसके लिए ना फुल प्रिपरेशन चल रही है, मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं आपको प्रिपरेशन इसलिए दिखाता हुआ चल रहा हूँ ताकि ना आप लोग को पता चले एग्जैक्टली मेरी फर्स्ट राइड ना किस तरीके से हो। तो थोड़ा ना इकोनॉमिकल बजट में चल रहे हैं अपन ये वाली सीरीज में, ऐसा नहीं कि अपन अनाप शनाप खर्चा कर रहे हैं, आपको मैंने सबके प्राइसेस ऑलमोस्ट सबके बताई दिया कौन सा सामान कितने रुपए का है। तो अपन ना थोड़ा मोटो व्लॉगिंग का जो सेटअप कर रहे हैं ना थोड़ा ना इकोनॉमिकल वैल्यू या थोड़ा बजट में रहते हुए कर रहे हैं, तो लो बजट में कैसे कर सकते हैं वो अब मैंने आप लोग को एक आइडिया दे दिया अपने वीडियो के थ्रू। तो आप लोग में से भी अगर किसी को मोटो व्लॉगिंग का सेटअप करना हो सस्ते में भाई आप लोग भी कर सकते हो, है ना, मत परेशान होना इधर उधर जाके वीडियोस देखना, तुम्हारे भाई ने ना ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देख लिए और देखने के बाद ही ये सारा अच्छा सामान बुलवाया है, ठीक है। मिलूंगा बहुत जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय।